मनुष्य 14 स्तर पे रहता है, और जिस दिन 14 स्तर वो लांग जाता है तो वो फिर पूरी तरह से सहयोगी हो जाता है। इसलिए आज सहयोग भी सहयोगी हो गया है। आपके अंदर इस प्रकार परमात्मा ने 14 स्तर बनाया है। अगर आप गिनी है सीधे तरीके से तो भी अपने अंदर आप जानते हैं कि सात चक्र की सर्वता बन जाती है सात, या उसके अलावा और दो चक्र जो है उसके बारे में आप लोग बातचीत ज्यादा नहीं कर सकते, वो है चंद्र का चक्र और सूर्य का चक्र, फिर एक हमसा चक्र है, इस प्रकार तीन चक्र और आ गए, तो सात और तीन दस, उसके ऊपर और चार चक्र, सहस्त्रार से ऊपर और चार चक्र, और उन चक्रों के बारे में भी मैंने आपसे बताया था, अर्ध बिंदु, बिंदु, वलय और प्रदक्षिण, ऐसे चार चक्र। सहयोग के बाद भी जबकि आपका संस्कार खुल गया है उस पर भी ये चार चक्रों में आपको जाना है, अर्धबिंदु, बिंदु, वय और प्रदक्षिण, इस चार चक्रों के बाद कह सकते हैं कि हम लोग अहयोगी हो गए। और दूसरी तरह से भी आप देखें तो हमारे अंदर 14 स्थितियां सहस्त्रार्थ तक पहुंचने पर भी है, गंगो विभाजित की जांच को, सात चक्र अगर ईरा नाड़ी पर और सात पिंगला नाड़ी पर है, मनुष्य जब चढ़ता है तो वो सीधे नहीं चढ़ता, वो पहले लेफ्ट में आता है फिर राइट में जाता है, लेफ्ट में आता है फिर राइट में जाता है, और कुंडलिनी जो है वो भी जब चढ़ती है तो इन दोनों में विभाजित होती हुई चलती है। उसकी वजह यह है कि मैं आपको समझाऊं कि दो रस्सी और दोनों रस्सियां इस प्रकार नीचे उतरते वक्त या ऊपर चढ़ते वक्त भी दो अवगुंठन लेती है, जब दो अवगुंठन लेती है तो उसके लेफ्ट और राइट इस प्रकार से पहले लेफ्ट और फिर राइट, दोनों के अवगुंठन होने फिर राइट वाली राइट को आ जाती है, लेफ्ट वाली राइट को चली जाती है। आप अगर इसको देखें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि अगर समझ लीजिए इस तरह से आए, अब इससे एक चक्कर लिया और दूसरा चक्कर लेने में फिर आ गई इसी तरफ से, इस तरफ आया इससे एक चक्कर लिया फिर दूसरा चक्कर लिया फिर इस प्रकार दो अवगुंठन उसमें होते जाते हैं। इसीलिए आपको जब कंगिनी चढ़ती है उस चक्र पे आपको दिखाई देता है कि लेफ्ट पकड़ा है या राइट, क्योंकि कुंडलिनी तो एक, फिर आपको एक ही चक्र पे दोनों चीज दिखाई देगी, इस प्रकार आप देखें कि लेफ्ट पकड़ा है या राइट पकड़ा है। इस प्रकार हमारे अंदर लेफ्ट और राइट अगर दोनों का विभाजन किया जाए एक चक्र का तो 7 × 14, वैसे ही हमारे 14 स्थितियां तो पहले ही कुछ करनी पड़ती है जब आप सोच रहा है। और अगर इसको आप समझ लें कि सात ये और ऊपर के साथ इस तरह भी वो 14 का एक मार्ग है, इसलिए 14 की जो है वो कुंडलिनी शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जब तक हम इस चीज को पूरी तरह से न समझें कि इस 14 चीजों से जब हम परे उठेंगे तभी हम सहयोग के पूरी तरह से अधिकारी हैं, हमको आगे बढ़ ही रहना चाहिए और उसमें पूरी तरह से रचते रहना। राजना विराजना ये शब्द आपके सामने पहले बार भी मैंने बहुत कहे हैं, लेकिन आज के दिन विशेष करके हम लोगों को समझना चाहिए कि सहस्त्रार के दिन राजना क्या विराजना क्या। रामनवमी के अवसर पे एकत्रित हुए हैं और सबने कहा है कि श्री राम के बारे में महापत है। आप जानते हैं कि हमारे चक्रों में श्री राम बहुत महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए हैं।
वो हमारे राइट हार्ट पर विराजित है। श्री राम एक पिता का स्थान लिए हुए हैं, इसलिए आपके पिता के कर्तव्य में या उसके प्रेम में कुछ कमी रह जाए तो ये चक्र पकड़ सकता है। सहयोग में हम समझ सकते हैं कि राम और सब जितने भी देवताएं हैं, जो कुछ भी शक्ति के स्वरूप संसार में आए हैं, वो अपना अपना कार्य करने आए हैं। उसमें श्री राम का विशेष रूप से कार्य है। जैसे कि सोक्रेटिस ने कहा हुआ है कि संसार में बेनेवोलेंट किंग आना चाहिए, उसके प्रतीक रूप श्री रामचंद्र जी इस संसार में आए। सो वो पूरी तरह से मनुष्य रूप धारण करके आए थे। वो ये भी भूल गए थे कि मैं श्री विष्णु का अवतार, भुला दिया गया। किंतु सर्व संसार के लिए वो एक पुरुषोत्तम राम थे कि बचपन का जीवन सब आप जानते हैं और उनकी सब विशेषताएं आप लोगों ने सुन रखी है। हम लोगों को सहयोग में ये समझ लेना चाहिए कि हम किसी भी देवता को मानते हैं और उसको हम अपना आराध्य मानते हैं, तो हमारे अंदर उसकी कौन सी विशेषताएं आई हुई, कौन से गुण हमने प्राप्त किए। श्री रामचंद्र जी के तो अनेक गुण हैं, क्योंकि तो पुरुषोत्तम थे। उनका एक गुण था कि वो जिस राजकारण को करते थे उसमें सबसे ऊंचा उन्होंने जन का मत रखा, न कि अपनी पत्नी या अपने बच्चे, इनका ख्याल किया। आजकल के हमारे घर राजकीय लोग, पॉलिटिशियंस इस चीज को समझ लें तो उनसे स्वार्थ ही निकल जाए, वो निस्वार्थ हो जाए, धर्मपरायण हो जाए। किंतु श्री राम की जो प्रतिमा है वही आज तक किसी ने भी अपनाने का प्रयत्न नहीं किया। उल्टे उनके भजन जरूर गाएंगे, उनके नाम से बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन ये सब बना लेने से क्या श्री राम आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, क्या आपके जीवन में उनका प्रकाश आ सकता है या नहीं, ये सिर्फ सहयोगी ही कर सकते हैं कि अपने अंदर बसे हुए श्री राम को अपने चित्त के प्रकाश में लाएं। वो अत्यंत निरपेक्ष थे, ऐसे तो सभी देवता लोग किसी भी पाप पुण्य से रहित होते हैं। कोई सा भी पाप जिसे हम पाप कहते हैं वो अगर करें तो वो पाप नहीं होता। जैसे श्री कृष्ण ने इतने लोगों को मारा, श्री राम ने रावण का वध किया, ये हमारे दुनियाई दृष्टि से हो सकता है कि पाप, किंतु परमात्मा की दृष्टि से नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने दुष्टों का नाश किया, इन्होंने बुराई को हटाया और इनको अधिकार है कि ये इस कार्य को करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। जैसे देवी ने राक्षसों को संहार किया, राक्षसों का संहार किया तो कोई कहेगा कि देवी ने पाप किया, किंतु उनका कार्य ही ये है कि वो राक्षसों का संहार करे और जो साधु हैं उन लोगों को संभाले। श्री रामचंद्र जी के जीवन में एक अहिल्योद्धार बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया क्योंकि उसके पति ने उसे शापित कर दिया था। उस जमाने में भी कोई स्त्री अगर किसी भी तरह से वाम मार्ग में चली जाती थी
तो उसका पति अगर साधु हो और उसकी स्थिति अगर ऊंची हो तो उसे शापित कर देता था। किंतु अहिल्या पे झूठा ही उन्होंने आरोप लगाया था, इल्जाम लगाया था, और इस तरह से उसको भी उन्होंने पत्थर बना दिया। तो श्री राम ने उस अहिल्या का भी उद्धार कर दिया। विशेषकर उनकी जो पत्नी के प्रति प्रेम की, एक पत्नी व्रत के प्रति जो एक उनका व्रत था वो बहुत समझ रहा है। हालांकि वो जानते थे कि सीता जी महालक्ष्मी स्वरूपा है, वो स्वयं देवी है, किंतु मनुष्य के रूप उन्होंने अपने पत्नी के सिवाय किसी और स्त्री के तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा। जब हम राम की बात करते हैं तो हमारे अंदर जो पतित्व है वो भी हमारा स्वच्छ होना चाहिए। अगर कोई स्त्री श्री राम के बारे में सोचती है तो उसको भी अपने पति के प्रति वैसी ही श्रद्धा होनी चाहिए जैसे सीता जी को अपने पति के प्रति थी, और उसी प्रकार पति को भी श्री राम जैसे एक पत्नी व्रत होना चाहिए। सहयोग में बात कठिन नहीं, स्त्री का मान रखना चाहिए, अपने पत्नी को मान से रखना चाहिए। और हालांकि रावण उनको उठा ले गए थे तो भी श्री राम ने ये कर्तव्य समझा कि सीता जी को वहां से छुड़ा कर लाए, और लोकनंदा के लिए जनमत को रखने कितना उनमें संतुलन था, उसी सीता को जिसके लिए इतने वर्ष मेहनत करके उसको छुड़ा कर लाए थे उन्होंने त्याग दिया। अर्थात सीता जी स्वयं साक्षात देवी थी तो उनका त्यागने का तो कोई विशेष परिणाम नहीं होने वाला था, और उन्होंने उन्हें त्याग दिया। कारण लोग ऐसी बातें करते हैं जो जन हित के खिलाफ, क्योंकि उनका आदर्श इसी तरह से ऐसा ना बन जाए कि जिससे लोग अपने यहां इस तरह की औरतों को पल पाए, इन पर की लोग शक करते। हालांकि वो निष्कलंका थी और देवी स्वरूप स्वच्छ निर्मल थी, उनको त्यागने पर भी फिर सीता जी ने भी उनका एक तरह से त्याग कर दिया। उन्होंने स्त्री जैसे रामचंद्र जी का त्याग किया और श्री राम ने पुरुष के जैसे उनका त्याग। सीता जी स्वयं ही पृथ्वी में समा गई और फिर अंत में श्री राम जी ने भी सरयू नदी में अपना देह त्याग किया। इस प्रकार इनका जीवन अत्यंत घटनात्मक और बड़ा चमत्कारपूर्ण है। सारे जीवन में देखिए तो सीता और राम का आपस का व्यवहार और उनका एक दूसरे के प्रति श्रद्धामय रहना। हालांकि उन्होंने सीता जी का त्याग किया था, पर सीता जी ने सोचा कि ये उनका परम कर्तव्य है, और उन्होंने कभी उनकी बुराई नहीं, उनके बारे में कभी बुरा नहीं कहा, और बड़ी सुगमता से अपने बच्चों को चलाया, उनको पनपाया, उनको बढ़ावा दिया। इस श्री राम के जो दो बच्चे हुए जिनको हम लव और कुश कहते हैं, वो भी एक भक्त स्वरूप कहना चाहिए कि जो संसार में आए इनको हम शिष्य के तरह से देख सकते हैं। ये शिष्य के द्योतक है और हमारे वे भी शिष्यत्व की एक शक्ति है जिससे हम किसी के शिष्य हो सकते हैं। शिष्य स्वरूप इन लोगों ने बहुत छोटी उम्र में धनुर्विद्या सीखी थी और इस छोटेपन में ही उन्होंने रामायण आदि और संगीत पर बहुत ही कुछ प्रावीण्य पाया था। इसका मतलब यह है कि शिष्य को पूरी तरह से अपने गुरु को समर्पित होना चाहिए। यह शिष्य का जो स्वरूप है यह हमारे अंदर भी सबके स्थित है, और माँ जो कि शक्ति थी उसके प्रति वो पूरी तरह से समर्पित है। उस वक्त श्री राम से भी लड़ने के लिए वो तैयार हो गए क्योंकि अपने माँ के लिए, तो मां को उन्होंने दुनिया में सबसे ऊंची चीज समझी, और उस मां ने भी अपने बच्चों को पालना, उनका संवर्धन करना, उनको धर्म में खड़ा करना और उनकी पूरी प्रगति करना एकमेव कर्तव्य किया। नहीं तो अपने आजकल की औरतें रात दिन रोते ही रहेंगे, मेरे पति ने छोड़ दिया, पति ने छोड़ दिया, और जब पति मिलेगा तो उससे लड़ती रहेंगी हर समय, और जब पति ने छोड़ दिया तो रोती रहेंगी। छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं, इनको मुझे संभालना है।